स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो निमकी विधायक में हमें दिखाया गया निमकी को बंगले से बाहर निकालने के लिए दया शंकर के काफी सारे गुंडे आ जाते हैं और उसी वक्त मीडिया वाले भी आ जाते हैं और दया शंकर से सवाल करने लगते हैं कि आप तो विधायक है भी नहीं तो बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे। और दया शंकर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर निमकी रोने धोने का नाटक करने लगती है और फिर चाची भी उसका साथ देती है। निमकी कहती है ये विधायक ना होकर भी मेरे अलाउट किए हुए बंगले में कब्जा करके बैठे हैं। फिर ये न्यूज मंत्री भी देखते हैं और ऊपर से ऑर्डर आता है कि सब ठीक करें। तभी मंत्री जी दया शंकर को कॉल कर बता देते हैं कि आपको ये घर छोड़ना होगा। मजबूरी में आकर दया शंकर निमकी को ये बात पहुँचाते हैं कि वो कल ही घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर ये बात सुनकर निमकी बहुत ही खुश होती है और उधर अभिमन्यु बाबू भी ये वीडियो देख लेते हैं और बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी स्वीटी कहती है आप उसे जाकर समझाइए आपको हमारी कसम। उधर निमकी और चाची मोनू सब बातें कर रहे होते हैं और तभी अभिमन्यु बाबू आ जाते हैं और निमकी पर चिल्लाने लगते हैं और बहुत कुछ कहने लगते हैं। तभी निमकी बताती है कि ये सब उसने प्लान के जरिए किया। तभी बातों ही बातों में अभिमन्यु बाबू निमकी से पूछते कि आप हमारे घर क्यों नहीं आना चाहती। और फिर सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा निमकी सबके साथ अभिमन्यु बाबू के घर जाएंगी। अलीना और स्वीटी पेट के बारे में बातें कर रही होंगी। तभी निमकी को समझ आ जाएगा कि स्वीटी दीदी प्रेग्नेंट है। और फिर जाते समय अभिमन्यु बाबू निमकी और स्वीटी से कहेंगे आप हमें इनकी जिंदगी में रखना चाहते हो लेकिन इनकी जिंदगी में हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तभी निमकी कहेंगे कि हम अपनी जिंदगी जीने का कोई मकसद ढूंढ रहे हैं। जिस दिन फेल हो जाएंगे ना आपके पास आ जाएंगे फिर संभालिएगा हमको भी और स्वीटी दीदी को भी साथ में। फिर अभिमन्यु बाबू निमकी के कंधे पर हाथ रखेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या आप स्वीटी गलत समझने लगेगी निमकी को? जानने के लिए सीरियल निमकी विधायक देखते रहिए और ऐसे ही नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।